डैड गाड़ी की चाबी कहाँ? क्यों, कहाँ जाना? अरे वो शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं ना, तो पार्टी के लिए सामान लेने जाना। कहाँ से? ये बगल वाले स्टोर से? हाँ ये पास वाले स्टोर से। तो बेटा ये तो वॉकेबल डिस्टेंस पे, पैदल जाके ले आ। डैड ऐसे पैदल जाता हूँ अच्छा थोड़ी लगूंगा, आप चाबी दो ना। बेटा तुम बहुत फॉर्चुनेट कि तुम्हें बैठे बिठाए बड़ी आसानी से ये सब कुछ मिल गया। ये घर, ये गाड़ी, अच्छा खाना, बेस्ट स्कूल और अब ये बेस्ट कॉलेज भी। कि तुम जानते भी हो इस जहान में कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उन्हें ये सब नसीब नहीं होता। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि असल जिंदगी में स्ट्रगल क्या होती है? मैंने की है स्ट्रगल, 3-3 किलोमीटर दूर अपने स्कूल में आना और जाना, पैदल वो भी कड़कती धूप में, ट्रेनों और बसों में मैंने धक्के खाए हैं, जवानी में जी तोड़ मेहनत की है मैंने, दिन रात एक किए, तब कहीं जाकर ये घर, ये गाड़ी और एक अच्छी सी लाइफ खुद को और अपनी फैमिली को दे पाया हूं मैं। बट कुछ भी नहीं। अब तुम एक काम करो, यहां से जनरल स्टोर तक पैदल जाओ, जरा जाकर देखो उन लोगों को जिनके पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो लोग रुकते नहीं हैं। 3 टाइम की रोटी कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं वो। डब, मेरी परछाई में तुम हवा में उड़ रहे हो। बहुत सख्त जरूरत है तुम्हें ये जानने की कि डाउन टू अर्थ रहकर जिंदगी कैसे जी जाती है। अगर आपकी गाड़ी की चाबी नहीं देनी है तो मत दो ना, इतना लेक्चर भी सुना। भैया कुछ सब्जी ले लीजिए, आज सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है। अगर आज घर बिना सब्जी बेके गया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? भैया मेरे से जूते पॉलिश करा लो। पर बेटा तू तो बहुत छोटा है, तुझे तो पढ़ना लिखना चाहिए, तो बूट पॉलिश क्यों कर रहा है? भैया अगर मैं जूते पॉलिश करके पैसे नहीं कमाऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा, और पढ़ने लिखने के पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, ब्रश मार। जी भैया। पापा सही कह रहे थे। भैया भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरा बच्चा सुबह से बहुत भूखा है। दीदी ये आपके बच्चे के लिए, आप इसको पानी में उबाल के खिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, और अगर आपको काम की ज़रूरत है और अगर आपको सही लगे तो आप मेरे घर पे आके भी काम कर सकते हैं, साफ सफाई का, खाना बनाने का, तो आपको ऐसे मांग कर नहीं खाना पड़ेगा। मालिक आपको खुश रखे भैया, मैं कल से काम पर आ जाऊँगी। ठीक है, ये पास वाली जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं आना। डैड आप जो बोल रहे थे ना वो मुझे समझ आ गया। अभी जब मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि लोगों को सच में कितनी तकलीफ होती है सिर्फ 3 वक्त की रोटी कमाने की। आपने मेरी आंखें खोल दी। शाबाश। और पापा मैं क्या सोच रहा था ना कि क्यों ना हम ऐसे लोगों के लिए एनजीओ ओपन करें जहां पे इनको ऐसी स्किल सीखने को मिले जिससे कि इज्जत की रोटी कमाएंगे और इनको कुछ तकलीफ भी ना हो, क्योंकि हम लग्जरीज में इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं। अगर वो पैसा हम इनकी अच्छाई के लिए लगाएंगे तो अच्छे कर्म तो वापस आते ही हैं लौट कर। बिल्कुल बेटा जरूर। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.